हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों की राखी कैसी रही जरूर बताइएगा। मेरी तो बहुत अच्छी रही। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने गुड वाइब्स से प्रोडक्ट मंगाए थे, उसी में जो एक शीट मास्क मंगाया था उसका रिव्यू, क्योंकि मैं उसको अप्लाई करने जा रही थी, स्किन केयर रूटीन करने जा रही थी, सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, ये गुड वाइब्स का राइज वाला शीट मास्क है। ये देखिए, इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 20 ml इसमें दिया हुआ है। और इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये जो ये शीट मास्क है ये कम से कम 3 साल तक चलता है। इसमें पीछे ये दिया हुआ है, ये 3 साल तक ये चलता है। और इसको कैसे अप्लाई करना है तो ये मैं बताऊंगी, और इसका कैसा रिव्यू है, क्योंकि मैंने इसके बारे में ना, वैसे शीट मास्क जो है गुड वाइब्स में बहुत तरह के आए हैं, लेकिन मैं जो राइस वाला है इसके बारे में बहुत, मतलब इसका अच्छा रिव्यू देखा था, तो मैं इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है, तो सोचा चलिए जब अप्लाई कर रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसलिए चलिए मैं जब इसको अप्लाई करूंगी आपको बताते रहूंगी, उस वक्त बोल नहीं पाऊंगी लेकिन बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी, आप देखते रहिएगा। ओके, ये रहा ये मास्क, आप देख सकते हैं गुड वाइब्स का राइस ब्राइटनिंग शीट मास्क। और इसमें जो नेट वॉल्यूम इसकी है वो 20 ml है। तो मैंने सोचा एक बार लगाने से पहले मैं एक बार आपको ये पूरा अच्छे से दिखा दूँ इसका पैकेट कैसा है। और 20 ml इसमें नेट वॉल्यूम है। अब देखेंगे इसके बैक साइड में ना पूरा, मतलब इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो दिया है, कि हाउ टू यूज़, कैसे इसको अप्लाई करना है। वो अगर आप नहीं समझ पाओ तो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं और इसको आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। और साथ ही इसमें देखिए लास्ट में नीचे ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दे रखी है, और ये इसमें दे रखा है यूज़ बिफोर, ये कब तक चलेगा, लगभग 3 साल, यानी कि आप ले कर आराम से अगर 1 महीने 2 महीने बाद लगाओगे तो चलेगा, यानी 3 साल ये से चलना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब मैं ले आई हूँ मास्क लगाने के लिए, ये रहा मास्क। तो अब मैंने क्या करना है, तो सबसे पहले अपनी बिंदी हटा देती हूँ, हेयर बैंड लगा लेती हूँ, और फिर अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि कैसे ये मास्क लगाना है। तो ये पैकेट को आपको सबसे पहले खोल के, आप देखिए इसको अच्छा नीचे की तरफ करके नहीं खोलेगा, मैं पहले कर रही थी, मुझे याद आया मैंने ऊपर कर लिया, क्योंकि इसमें ना सीरम होता है बहुत लिक्विड जैसा होता है, अगर नीचे की तरफ करके खोलेंगे तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा। अब वही सबसे काम की चीज़ है, और वो अभी देखिए मैं देख रही हूँ उसके अंदर एकदम चिपचिपा सा पेस्ट सा होता है। आपको ये लेना है और इसके साथ ना ज़्यादा जोर नहीं जमाना है, इसको बहुत ही आराम से निकालना है, और इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा वरना इसका जो सीरम है या तो वो बह जाएगा या फिर ये फट जाएगा। तो इसको मैं बहुत ही आराम से निकाल रही हूँ, और इसको आराम से ही आपको खोलना है ये मास्क को। आप देख सकते हैं मैंने इसको लिया है, और अब इसको ईजिली, मतलब मैं इसको ओपन कर रही हूँ ताकि ये फटे ना। ये देखिए, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, आपको कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हैं आपको समझ नहीं आया कहाँ से खोलना है, ये फट ना जाए इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं बहुत ही आराम आराम से खोल के आपको बता रही हूँ, ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम इसको अगर यूज़ करेंगे उनको दिक्कत ना हो समझने, ऐसा होता है कई बार कि कैसे लगाने ना पता चले, तो आप देख सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ही ईजिली धीरे धीरे, और मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया इसी मारे, ताकि आप देख ले, क्योंकि मास्क जो है ना यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप अच्छे से खोलिए और इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे इसमें आइज़ बने हुए हैं, नोज़ बने हुए, पूरे लिप के पूरे अच्छे से, मतलब वो स्पेस दे रखा है, तो ईजिली पूरा फेस का एक मास्क बना हुआ है। आपको इसको मास्क को लेना है और अपने फेस पे इस तरीके से लेके रख देना है, रख देना है इन द सेंस, मतलब अपने फेस पे इसको ऐसे अच्छे से रख के अपने फेस पे एडजस्ट करके एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। और ये बहुत गीला सा मास्क है, इस पर ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं देना है आपको, आराम से इसको स्मूथली अपने स्मूथ हैंड से लेके इस पर अपने फेस पे एडजस्ट करके छोड़ देना है इसको इस तरीके से। अब ये देखिए मैं एडजस्ट कर रही हूँ, और मैंने एडजस्ट करके इसको अपने फेस पे छोड़ दिया है, और ये ऐसे चिपक जाएगा, उसे लगा के 15-20 मिनट तक सो जाना है सोना नहीं है, मतलब इसको 15-20 मिनट आपको ऐसी छोड़ के इस तरीके से, ये देखिए मैं एडजस्ट करने में लगी हूँ,
इस पैकेट में ना बहुत सारा सीरम ना अंदर है, क्योंकि सीरम ही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, यही तो होता है मास्क में। तो इसको लेना है भैया, पैसा पैसा लगा है, इसको वसूल लेना है अच्छे से लेके ना। सीरम है कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ तो नहीं, अपने हाथों की अच्छे से मसाज कर लेनी है उस पैकेट में जो भी सीरम बचा हुआ है, अपने फेस पे भी थोड़ा सा अगर हो तो लगा लेना है। देखिए ये राइस वाला है, जिनकी डल स्किन है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और राइस वैसे भी आपकी फेस की डलनेस को दूर करता है। तो ये वाला आप ज़रूर एक बार गाइस अप्लाई कीजिएगा ये देखिए, और उसके बाद आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैं 15 मिनट बाद आपसे मिलूँगी। अब 15 मिनट हो गया है, आप देखेंगे फेस का जो मास्क है वो एकदम सूख गया, मतलब यानी कि वो मेरी स्किन पे अब्जॉर्व कर दिया। उसको इस तरीके से ऐसे उतार देना है, पूरा जो इतना गीला मास्क था ना वो पूरा मेरे स्किन पे सीरम जो है ऑब्जर्व कर दिया। और सच में मैं आपको बताऊं गाइस, इतना अच्छा मुझे इसका मतलब वो रिव्यू लगा मैंने जब देखा ना, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद आपको क्या करना है ना, अगर आपको कोई फेस धोना नहीं है आपको ऐसे स्मूथली अपने फेस में मसाज कर लेनी है, वो इसलिए ताकि अगर कुछ सीरम बचा हो अच्छे से आपके फेस पे ऑब्जर्व हो जाए ये मसाज करके, फिर आपको फिर अपना मतलब तुरंत फेस नहीं धोना है। फेस आपको लगभग आधे घंटे बाद ही आप वॉश कीजिएगा ठंडे पानी से, जब तक अपने फेस को ऐसे ही रहने दीजिएगा, अपने घर के आप बाकी काम निपटा सकते हैं ताकि वो जो थोड़ा बहुत बचा हो वो भी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और बहुत ही अच्छा मतलब इतना स्किन क्लियर क्लियर लग रहा था, मतलब जैसे फेस वॉश करके आ जाते हैं ना उस तरीके से एकदम। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लव यू।